तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडक्शन कुकटॉप हमारे लिए कितना उपयोगी है और कई बातों में तो ये गैस स्टोव से भी ज़्यादा किफ़ायती और सुरक्षित है, मगर फिर भी ये हमारी ज़िंदगी का अभी तक अहम हिस्सा नहीं बन पाए हैं क्योंकि ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं, वो भी छोटी छोटी कमियों के कारण, और हमारे घरों में स्टोर रूम में ऐसे ही पड़े रहते हैं। मेरे भी घर में ऐसे ही कई सारे पड़े हुए हैं। मेरे भी घर में ऐसे 3 इंडक्शन कुकटॉप पड़े हुए हैं। फिर अचानक से एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इनको खोलकर देखा जाए, और आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों कि 3 में से 2 इंडक्शन कुकटॉप में सेम ऐसी ही परेशानी थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे इस वीडियो को शेयर करूं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या कमी थी और मैंने इसको कैसे ठीक किया। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसको प्लग ऑन करके देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे ही मैंने इसको प्लग ऑन किया इसमें बीप की आवाज़ भी हुई और ये लाल बत्ती जल गई, लेकिन फिर भी इसमें डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आया। देखिए, मैं बटन भी ऑन कर दूं तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं एक बर्तन भी रख देता हूँ तो भी यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है, और इस कारण से ये कई दिनों से ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसको एक बार खोल करके देख लेते हैं कि अंदर क्या है। इसको ऑफ कर दूं पहले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडक्शन अंदर से तो एकदम ठीक दिखाई दे रहा है, कहीं कोई जले का निशान या कोई वायर टूटी हुई नहीं दिख रही है। इसका कंट्रोल बोर्ड भी हमें एकदम ठीक दिखाई दे रहा है, कॉइल भी एकदम ठीक है, और ये बोर्ड भी एकदम ठीक है, कहीं कोई वायर भी कटी हुई नहीं लग रही है। अगर वायर कटी होती तो यहाँ पर बीप की साउंड भी नहीं आती। तो एक बार दोस्तों इसका हम बोर्ड को एक बार खोल के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ही रेस्पॉन्स तुरंत नहीं मिल रहा है। खोल के देखते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, ये है इसका कंट्रोल बोर्ड। अब एक बार जरा इसको ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, फैन भी ऑन हो रहा है लेकिन ये बंद हो गया। अभी एक बार इसके मेनू को देखते हैं। देखिए, इट मींस ये पावर ऑफ का बटन है और जो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको ऑन करते हैं। इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हो सकता है ये स्विच भी खराब हो। चलिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। तो ट्रिक ये है दोस्तों, ये जो स्विच होता है इसके 4 लेग्स होते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ इसके 4 लेग्स हैं और ये चारों ही वर्क करते हैं। तो अगर हमने स्विच चेक करना है तो इन चारों को ही हमें शॉर्ट करना होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि कहीं ये स्विच ही तो खराब नहीं है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक देखिए, जैसे ही मैंने इसके चारों लेग शॉर्ट किए ये इंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, ये स्टार्ट हो गया, लेकिन ये स्विचेस वर्क नहीं कर रहे हैं, कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। और हम चेक करते हैं इसके अंदर, एक बार फिर से हम इसे स्विच ऑफ ऑन करके देखते हैं। देखिए, फिर से बीप की आवाज़ हुई
और ये फैन ऑफ होकर के बंद हो ऑन होकर के ऑफ हो गया ये लाइट, लेकिन फिर भी यहाँ जल रही है। हम यहाँ फिर से इसके लेग्स को शॉर्ट करते हैं, देखिए ये इंडक्शन ऑन हो गया और यहाँ पर ये E0 की एरर दिखा रहा है। और ये ऐसा कब होता है? जब इसके ऊपर कोई बर्तन ना हो या फिर ये सेंसर खराब हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसके ऊपर बर्तन रख करके। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने यहाँ बर्तन रखा तो तुरंत ही ये इंडक्शन स्टार्ट हो गया। इट मीन्स सिर्फ इस स्विच में कमी है और बाकी हमारा इंडक्शन बिल्कुल सही है। तो अभी सबसे पहले इस स्विच को हमें ठीक करना होगा। इसका तरीका ये है, या तो आप इस स्विच को ही पूरा रिपेयर कर दीजिए, मतलब एक नया लगा दीजिए, और अगर आपके पास नया नहीं है तो हम चाहें तो इसमें से ही किसी एक को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्विचेस का मुझे नहीं लगता कोई भी ज़्यादा यूज़ करता होगा। सिर्फ यहाँ से ऑन किया और टेम्परेचर कम ज़्यादा यहाँ से करके अपना काम शुरू कर दिया। तो ये सारे स्विचेस बेकार में ही ऐसे लगे रहते हैं, तो इनमें से किसी एक स्विच को हम निकाल करके यहाँ लगा सकते हैं और अपना काम बना सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा स्विच इनमें से सही है। ऐसे इसमें नहीं पता चल रहा है बिना बर्तन रखे। ये स्विच, ये सारे स्विचेस खराब हैं सिवाय इसके। इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसका ये स्विच जो खराब है, पहले इसको निकाल लेते हैं बाहर, और ये जो ठीक है इसको यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। पहले सोल्डरिंग आयरन को गर्म कर लिया है मैंने, और हम इस स्विच को निकाल लेते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम इसका दूसरा स्विच भी बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि हमने इसको बाहर निकाल लिया है, अब हम पावर स्विच की जगह पर जो हमने निकाला था पहले, उसकी जगह इसको लगाएंगे, क्योंकि ये स्विच एकदम सही है। सारे इसको चालू इसको कर देते हैं।
तो हमने चारों लेग्स इसके सोल्डर कर लिए दोस्तों। अब हम एक बार इसको चेक करके देखेंगे। प्लग ऑन कर देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, हमारा इंडक्शन स्टार्ट हो गया। देखिए एक बार बर्तन रख के भी देख लेते हैं। हमारा आइडिया काम कर गया, इंडक्शन स्टार्ट है। अब आप चाहें तो नए स्विचेस खरीद करके आप इसमें यहाँ लगा सकते हैं और इन दोनों को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपका इंडक्शन पूरा का पूरा वर्किंग करने लगेगा। अभी फ़िलहाल मैंने इसको चालू कर दिया है और ये कुकिंग का काम भी आराम से कर सकता है। तो दोस्तों मैं इसको वापस से फिट कर देता हूँ इसमें। एक बार फिर से ऑन करके देखते हैं इसको। हमारा इंडक्शन रेडी है। एक बार इसमें पानी डाल के भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे हमने घर पर ही उपलब्ध चीज़ों से अपने इंडक्शन को ठीक कर लिया। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे जुगाड़ टेक्नोलॉजी।